जब हम मुंबई के नाम उच्चारण करते हैं, दिल में एक सुकून से महसूस होता है। मुंबई, पुणे, नागपुर, केनपा के दर्शन किए तथा सभी देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर आकर मुझे अपार आनंद और शांति की अनुभव होती है। महाराष्ट्र समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति से युक्त राज्य है। महाराष्ट्र के लोगों को उनके उदार दृष्टिकोण के लिए जाना जाते हैं। मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे अनेक शहरों में देश के सभी क्षेत्रों से लोग आकर बसते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैसे जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी, विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर नीलम गरहे जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, अपना सर्वाणा माझा नमस्कार। आज महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित इस नागरिक अभिनंदन में उपस्थित होकर मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रही है। मैं महाराष्ट्र की सभी निवासियों का उत्साहपूर्वक स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। कल मुझे नागपुर में स्थित श्री महालक्ष्मी जगदम्बा शक्तिपीठ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आज यहाँ आने से पहले मैंने श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति पापा के दर्शन किए तथा सभी देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर आकर मुझे अपार आनंद और शांति की अनुभव होती है। महाराष्ट्र समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति से युक्त राज्य है। ये क्षेत्र देश का अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और लोकप्रिय राजनीतिक केंद्र रहा है। तीर्थस्थलों, विश्व धरोहर स्थलों और लोकप्रिय खाद्य पदार्थ से लेकर हिल स्टेशनों और खूबसूरत समुद्र पट सहित विविधतापूर्ण प्राकृतिक सौंदर्य तट महाराष्ट्र में हर व्यक्ति के लिए विशेष आकर्षण के कारण ये विद्यमान है। अजंता एलोरा गुम्फाओं की अनुभव कला के कारण महाराष्ट्र का विश्व के मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान है। महाराष्ट्र के लोगों ने अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित रखा है। अभी हाल ही में राज्य के निवासियों ने आषाढ़ी एकादशी के पर्व को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महाराष्ट्र के लोगों को उनके उदार दृष्टिकोण के लिए जाना जाते हैं। मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे अनेक शहरों में देश के सभी क्षेत्रों से लोग आकर बसते हैं और यहाँ के समाज में घुल मिल जाते हैं। ये लोग अपनी प्रगति के साथ साथ महाराष्ट्र और पूरे देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। देवियों और स्वजनों, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ और संत तुकाराम जैसे अनेक संतों ने भारतीय समाज को समानता, स्नेह, भक्ति के द्वारा एकजुट बनाया है। महाराष्ट्र की रत्नगर भूमि जिन महान विभूतियों की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है, उनकी संख्या इतनी बड़ी है कि एक संबोधन में सबका उल्लेख करना असंभव है।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने आत्मसम्मान तथा राष्ट्र गौरव का महानतम उदाहरण प्रस्तुत किया है। समाज सुधार के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने अग्रणी भूमिका निभाई है। महिलाओं की शिक्षा और पिछले वर्ग के लोगों के हित में महाराष्ट्र के लोग सदैव सचेत रहे हैं। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक महाराष्ट्र में समतामूलक समाज के निर्माताओं की प्रभावशाली परंपरा रही है। आधुनिक भारत के इतिहास में गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्गदर्शक माने जाते हैं। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हो के आहे आणि तो मी मिळणारच का उद्घोष करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देश के स्वाधीनता संग्राम को नेतृत्व दिया। देवियों और सज्जनों, महाराष्ट्र ने संगीत और कला के क्षेत्र में भी उच्चतम स्तर की प्रतिभाओं को प्रस्तुत किया है। विष्णु नारायण भातखंड, विष्णु दिगंबर पलुष्कर, दत्तात्रेय विष्णु पलुष्कर से लेकर किशोरी अमनकर तक भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान कलाकारों की परंपरा यहाँ जीवंत रहा है और आज भी निरंतर प्रवाह में है। सूर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की कर्मस्थली भी महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र के लोक संगीत और लोक कलाएं भी पूरे देश में लोकप्रिय हैं। संगीत और लोक नृत्यों के विभिन्न रूप राज्य के समृद्ध अतीत की झलक देते हैं। मराठी रंगमंच तथा मराठी सिनेमा की अपनी अलग पहचान रही है। महाराष्ट्र के कला प्रेमी लोगों ने समृद्ध कला परंपराओं को जीवंत बनाए रखे हैं। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। मुंबई अनेक उद्योगों का केंद्र है। मुंबई सहित संपूर्ण महाराष्ट्र ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख योगदान दिया है। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, मास मीडिया, पेट्रोलियम, फैशन टेक्नोलॉजी और अन्य अनेक क्षेत्र में महाराष्ट्र की अग्रणी भूमिका रहती है। देश के कुल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में लगभग 15% योगदान के साथ महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। आज भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात देश है। भारत की इस सफलता में महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान है। मुंबई में पूरे देश से लोग अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद लेकर आते हैं। हर प्रकार की चुनौतियों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ते रहने का उत्साह बनाए रखना मुंबई के लोगों की विशेष पहचान है। हिंदी फिल्म उद्योग के कारण देशवासियों के मनोमस्तिष्क में मुंबई का विशेष स्थान है। मुंबई चित्रकला, नाटक और साहित्य का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। साथ ही चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी मुंबई, पुणे और नागपुर सहित अनेक शहरों में सराहनीय कार्य होते रहते हैं। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के लोग आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के नई प्रतिमान स्थापित करेंगे। अमृतकाल के दौरान महाराष्ट्र देश के समावेशी विकास में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आज मेरे स्वागत में बहुत बहुत मीठा मीठा बहुत अच्छा बातें बोले, लेकिन महाराष्ट्र शायद इसीलिए नामित किया गया क्योंकि
एक्चुअली में महान है। जब हम मुंबई के नाम उच्चारण करते हैं, दिल में एक सुकून से महसूस होता है। मुंबई, पुणे, नागपुर कहने से ही एक हृदय में एक पुलक सी महसूस होती है, सिहरण सृष्टि होती है। इसलिए आप उसी उसी महान राज्य के जनसाधारण के द्वारा आप चुने गए, आप प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करते हैं। आप समाज के सबसे आखिरी लाइन में छिड़ा हुआ लोगों से लेकर के सबसे पहले कतार में खड़े हुए लोगों तक आपका जो कर्तव्य, मैं तो अभी नहीं, मैं शुरू से जानती हूँ। इसीलिए आपका ये कर्तव्य, आपका ये मेहनत मुझे लगता है अभी तो लोगों के दिल पे पहुँच रहा है। मुझे लगता है आगे भी लोगों के दिल और दिमाग में आपका एक कर्तव्य का एहसास जरूर रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। आशीर्वाद तो मेरा जेनो में लिखा है। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह आपके राष्ट्र के उन्नति के लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार, हम सब आपके साथ है, जनता आपके साथ है। महाराष्ट्र के सभी निवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महान महाराष्ट्र।